Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about two words, the number of. इनका कैसे यूज करना है, इसमें क्या ग्रामर का रूल है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर. द नंबर ऑफ, ये प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. जो द नंबर ऑफ के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग. सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स दिख रहा है तो ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर आर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इस जो है वो सही हेल्पिंग वर्ब रहेगा. द नंबर ऑफ के साथ में याद रखिए, आपको प्लूरल जो है यहाँ पर होना चाहिए और जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर होना चाहिए. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं. यदि यही आप अ नंबर ऑफ के साथ में बना रहे हैं तो अ नंबर ऑफ के साथ में आपको याद रखना है, यहाँ पर तो कॉमन है, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स प्लूरल रहेंगे, यहाँ पर प्लूरल नाउन, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी जो है आपको आर यूज़ करना है. सिर्फ इतना सा बेसिक डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है, द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर जो है प्लूरल नाउन और जो वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही रखना है आपको, दैट इज़ आर. अगर यहाँ पर पास्ट टेंस होता तो यहाँ हम वाज यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो होगा वर हो जाएगा. तो अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस है, आप इसे ज़रूर याद रखें. और इस तरह के कुछ और जो एग्जांपल्स हैं वो मेरी बुक में दिए हैं, डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, उसमें आप देख सकते हैं. और आगे के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ स्टेप बाय स्टेप आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं. आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा और सही इंग्लिश बोलने में और समझने में आपकी ज़रूर मदद करेगा. अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.